हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज बनाते हैं झटपट प्याज का पराठा। अगर आप कहीं जल्दी में हैं और घर में कुछ भी नहीं है बनाने को, बहुत जोर की भूख मिली और बहुत ही जल्दी में है, आप वापस इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्याज के ऐसे ऐसे लंबे लंबे छोटे छोटे काट लेते हैं, उसको अच्छे तरह से हाथों से मिला लेते हैं कि सारे प्याज छूट जाए, एक तरह से सब अलग अलग हो जाए। उसके बाद हम तो आधा चम्मच नमक डालेंगे, आधा चम्मच चिली पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच चाट मसाला डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और उसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम चलिए नॉर्मल आटा लगा लेते हैं, एक कप आटा ले लेते हैं, उसमें थोड़ा सा नमक, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, दो चम्मच ऑयल डाल लेते हैं। अगर आपको मसाले नहीं ऐड करने तो स्किप भी कर सकते हैं। नॉर्मल सॉल्ट और नमक और ऑयल डाल करके आप आटा लगा सकते हैं। उसके बाद रोटी की तरह आपको बेल लेना है। आपको पतला चाहिए तो पतले भी ले सकते हैं, मोटे पराठे चाहिए तो मोटे भी ले सकते हैं। उसको अच्छी तरह से आपको बेल लेना है, झटपट बन करके तैयार हो जाती है। ठीक है, आपको इस तरह से बेल लेना है। इस तरह से आपको रोटी के साइज का बेल लेना है। आपको पतले चाहिए तो पतले बना सकते हैं, मोटे चाहिए तो मोटे ही बना सकते हैं। पतले चाहिए तो ऑनियन का इस्तेमाल कम करें, मोटे चाहिए तो ऑनियन का इस्तेमाल आप ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हल्के हाथों के साथ आपको इसको फोल्ड कर लेना है, रोल धीरे धीरे रोल कर लेना है। देखिए इस तरह से आप इसे रोल कर ले, हल्के हल्के हाथों के साथ इसे दबा दें और फिर साइड से भी आपको उसको फोल्ड करना है। देखिए धीरे धीरे हल्के हाथों के साथ इसे दबाए। आपको पतले चाहिए तो पतले भी बना सकते हैं, ऑनियन का इस्तेमाल कम करें उसमें। देखिए इस तरह से हल्के हल्के हाथों के साथ आपको दबा देना है, साइड से भी दबाइए और ऊपर से भी आपको दबाना। धीरे धीरे हल्के हाथों के साथ दबाते हुए इसको बेल लेना है। देखिए हल्के हाथों से दबाते हुए आपको इस तरह से हल्के हल्के आप हाथों से दबाते हुए इसको बेल लेना है। देखिए इस तरह से थोड़े से ऑनियन साइड से टिकल भी जाए तो कोई बात नहीं है, ये झटपट बन करके तैयार हो जाती है। देखिए अब आपको इसे गर्म तवा पर आपको पका लेना है, दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है। पकने के बाद इसे दो चम्मच ऑयल का इस्तेमाल करें, ऑयल को अच्छी तरह से मिला लें, दोनों साइडों पे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से पका लें। देखिए लगभग हमारे बन करके तैयार हो चुके हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में, हमारा पराठा तैयार हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।